अस्सलाम वालेकुम यूज़र्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेंट्री कैसे डालते हैं, इन्वेंट्री को अगर हमें अपडेट करना है तो हम उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसकी परचेज़ प्राइस हमें अपडेट करनी है तो हम उसकी परचेज़ प्राइस कैसे अपडेट करेंगे, सेल प्राइस हमें अपडेट करनी है तो हम सेल प्राइस अपनी कैसे अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, एडमिन वन। ओके, तो कैशियरिंग स्क्रीन पे जाएंगे हम सबसे पहले, और सालन में हम देख लेते हैं। जैसे ये चिकन कढ़ाई है, ये इस वक्त मुझे दिखा रही है 150 रुपीज़ की। अब मुझे जैसे इसकी परचेज़ प्राइस जो है, मुझे सेल प्राइस इसकी मुझे चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा इन्वेंट्री में, उसके बाद मैं जाऊँगा प्रोडक्ट डिटेल, एंड देन उसके बाद मैं न्यू करूँगा सालन चिकन कढ़ाई प्लेट, चिकन कढ़ाई प्लेट। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये परचेज़ प्राइस इसकी डली हुई है 130 रुपये और सेल प्राइस डली हुई है इसकी 150 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे परचेज़ इसकी 150 हो गई है और सेल प्राइस इसकी हो गई है 180, और मैं इसको यहाँ से सेव करवा दूँगा। अब हम वापस अपनी मेन्यू की तरफ चलते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, अब हम मैं देखता हूँ तो ये आपके सामने हो गई 180 रुपीज़ की। तो ये तो एक प्रोसीजर हो गया आपका कि आप अपने रेट किस तरह अपडेट कर सकते हैं और किस तरह आप अपने रेट को कम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कोई नई प्रोडक्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले जिस कैटेगरी में आपको डालना है आप वो सिलेक्ट कर लें। लेट सपोज़ कि आपको कोल्ड ड्रिंक में डालना है, तो कोल्ड ड्रिंक में हम ले लेते हैं लेट सपोज़ कोक। कोशिश कीजिएगा कि सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो कैपिटल में हो तो ज़्यादा बेहतर है। 250 ml, इसको आपने यहाँ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। आइटम बारकोड, अगर आप इसमें मार्ट वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं और आप बारकोड जनरेटिंग सिस्टम है आपके पास, तो वो बारकोड आप वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर ख़ुद जनरेट करना चाहें तो वो ऑटो जनरेट भी कर देगा सॉफ्टवेयर हमारा। अगर आप ख़ुद देना चाहें तो आप ख़ुद भी दे सकते हैं, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप इसी आइटम को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम सिलेक्ट कर लेंगे इन्वेंट्री प्रोडक्ट, चूँकि ये 250 ml जो है ये हमें पीसीस में होता है, तो हम इसको सिंपल पीसीस में ले लेंगे। हमारी इसकी परचेज़ प्राइस इस वक्त 45 है और सेलिंग प्राइस इस वक्त 60 रुपीज़ है। रीऑर्डर लेवल वो होता है जिसमें आप मिनिमम अपना ऑर्डर डिफाइन करते हैं कि बस ये अगर 5 क्वांटिटीज़ की बजाय तो फिर मुझे मेरा सॉफ्टवेयर मुझे पॉपअप दे दे। लेकिन इस वक्त मैं इसको ज़ीरो करूँगा और मैं इसको यहाँ से सेव करा दूँगा। आपने देखा रिकॉर्ड ऐड सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब मैं जो है होम पे जाके मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। कोक 250, ये आ गए आपकी कोक 250 ml। ठीक है, तो ये इस वक्त मैंने दो सिलेक्ट कर लिए है तो मैं इसको वन ही ले लेता हूँ। तो ये आपके सामने आ गई और आप इसकी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 100 रुपीज़। ओके, तो ये आपकी ट्रांजेक्शन हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।